चिन्नास्वामी के मैदान पर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बल्ले से जमकर तबाही मचाई। बेंगलोर में हिटमैन के आगे अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक मजाक बनकर रह गया। रोहित T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक जमाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित का भरपूर साथ रिंकू ने निभाया और आखिरी 5 ओवर में दोनों ने मिलकर 103 रन कूटे। भारतीय टीम महज 22 रन के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में थी। हालांकि इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा को रिंकू सिंह का साथ मिला और दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक से खूब खिलवाड़ किया। हिटमैन ने 69 गेंद पर 121 रन की तूफानी पारी खेली। रोहित ने अपनी विस्फोटक पारी के दौरान 11 चौके और 8 छक्के जमाए। रिंकू ने भी अपने बल्ले से जमकर धमाल मचाया और 39 गेंदों पर 69 रन ठोके। रिंकू ने 176 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 चौके और 6 छक्के जमाए। भारतीय पारी के 20वें ओवर में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की जोड़ी ने 36 रन बटोरे। कीमत जन्नत के ओवर का आगाज रोहित ने चौके के साथ किया। ओवर की दूसरी बॉल करीम ने नो बॉल फेंकी, जिसको रोहित ने मैदान के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद फ्री हिट पर भी रोहित ने छक्का जमाया। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने 1 रन दिया। ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी हाथ खोले और गेंद को हवाई यात्रा पर 6 रन के लिए भेजा। करीम के हाथ से निकली 5वीं गेंद को रिंकू ने डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। ओवर की लास्ट बॉल पर भी रिंकू ने 6 जड़ते हुए ओवर से कुल 36 रन बटोरे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा और रिंकू ने 5वें विकेट के लिए 190 रन की अटूट पार्टनरशिप जमाई। रोहित, रिंकू ने संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। रोहित शर्मा और रिंकू के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।